हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो हमारी कॉलर कुर्ती के एपिसोड चल रहे हैं। तो आज मैं आपसे एपिसोड नंबर 2 शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं बताऊँगी जो बटन पट्टी होता है, जिसको प्लैकेट भी बोलते हैं, वो लगाना। और वैसे तो बहुत तरीके से लगाए जाते हैं, पर मैं आज बहुत ही ईजी वे में बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कॉलर कुर्ती है और इसका एपिसोड नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लेना पहले। तो आज इसमें मैं बटन पट्टी लगाऊंगी। तो जो हमारी बटन पट्टी है वो आपके हिसाब से लगाएं आप, जितनी भी लंबी आपको चाहिए। मैं यहाँ पे कमर तक लगाऊंगी, ये हमारी कमर की लाइन है। मैं थोड़ा इसको डार्क कर लेती हूँ कमर की लाइन को, और इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे सेंटर की, ये हमने नेक तो पहले ही इसका कट कर लिया था। यहाँ से हमारी कटिंग होगी अभी, तो यहाँ तक होगी हमारी कमर लाइन है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इस तरीके से किया है। यहाँ पर इतना ही ये पूरा सिलाई में दबेगा, आधा इंच। ये हमारी सेंटर की लाइन है क्रीज वाली। मैं निशान नहीं लगा रही क्योंकि क्रीज मुझे अच्छे से नज़र आ रही है। और यहाँ से सेंटर से हाफ इंच यहाँ पे, हाफ इंच यहाँ पे, तो ये टोटल 1 इंच चौड़ा हो गया। जितनी आप चौड़ी बटन पट्टी बना रहे हैं ना, उतना ही इसका गैप होना चाहिए, तभी आपकी जो है बटन पट्टी सही रहती है। तो इसको मैं पूरा सेंटर से कट कर लेती हूँ पहले। ये जो कमर का निशान है, इससे हाफ इंच ऊपर ही मैंने कट लगाया है, क्योंकि यहीं तक जो है हमारी सिलाई होगी, ये यहाँ तक। तो चलिए अब मैं बटन पट्टी दिखा देती हूँ। तो ये मैंने बटन पट्टी तैयार की है इस तरीके से। तो ये टोटल कपड़े की चौड़ाई मैं आपको बताऊँ तो पूरा ये 3 इंच कपड़े की चौड़ाई है। हाफ इंच मैंने यहाँ से फोल्ड किया, हाफ इंच यहाँ पे, और 1-1 इंच ये आप अंदर देख रहे होंगे। तो इस तरीके से मैंने फोल्ड किया और इसको ऐसे प्रेस कर दिया, तो इसकी जो पूरी चौड़ाई है वो 1 इंच हो गई है। तो इस तरीके से मैं कर लूँगी। तो ये पट्टी को हम इस तरीके से करेंगे, ये सीधा पट्टी, और यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे पहले आप हाफ इंच का एक लाइन खींच लें, ताकि हमें बिल्कुल बराबर हमें पता चले। जो मैंने निशान लगाया था वहीं पे मैंने रोक दिया है। अब हमें सुई को ऊपर नहीं करना है, सिर्फ फुट को ऊपर करना है, और इसको हम इस तरीके से घुमा लेंगे। सबसे पहले हम कट लगाएंगे यहाँ पे, और कट भी सिर्फ ऊपर वाले कपड़े पे लगाना है, नीचे नहीं लगाना है पट्टी में। और इस तरीके का कट हम यहाँ पे भी लगाएंगे। तो अब सीधे साइड कर लेंगे इसको। तो ये देखिए इस तरीके से सीधे साइड से मैंने कर लिया है। इसको हल्का सा नाखून से इस तरीके से प्रेस कर लेना है। तो अब इस तरीके से ये तो हमारा फोल्ड ही है, और इसके ये ऊपर आ जाएगा, और इस तरीके से सिलाई आएगी। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस यहाँ पे, और उसी तरीके से ये निशान लगा लेंगे हम। जब आएंगे यहाँ पर मशीन लेकर, तब लगाना है निशान। तो ये देखिए यहाँ पर आ गए ना, ये कट आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे हमने सुई को अंदर ही रहने दिया था। अब वहीं पे इसके ऊपर भी हम निशान लगा लेंगे, ताकि फिर से वही प्रोसेस हम कर पाए। तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ तक हम सुई अंदर ही जाएगी इसके अंदर। फुट को ही ऊपर करेंगे बस, और यहाँ पे भी कट है, इसके ऊपर भी हम ऐसे ही चौक से निशान लगाएंगे।
तो मैं सीधा करूँगी इसको कुर्ते को इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि ये चेक्स का कपड़ा है और अगर आप ये तिरछी पट्टी की ये लगाती ना तो अलग से नज़र आता कि हाँ ये तिरछा लगाया हुआ अलग से दिखता। पर मेरे पास जो कपड़े की कमी थी और अभी मेरे को स्लीव भी बनानी है, जैसे कि आप कटिंग में देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि कितना कपड़ा बचा था कटिंग में। तो ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। अच्छा, आपको अब ये देखना है कि आपको बटन किस तरफ चाहिए, काज किस तरफ चाहिए, क्योंकि कोई लेफ्ट हैंडी होता है कोई राइट हैंडी होता है। तो उस तरीके से आप अगर इसको नीचे करना चाहते हैं तो ये ऊपर इस तरीके से हो जाएगा, और अगर इसको नीचे करना चाहते हैं तो सिर्फ ये यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा ये कोन भी बन जाएगा, यहाँ से डेढ़ इंच ऊपर, यहाँ से डेढ़ इंच ऊपर इस तरीके से हम पक्का करेंगे। यहाँ पे ये शेप लेके आएंगे, यहाँ पे पक्का करेंगे। और ये देख लीजिए मैंने हल्के से प्रेस लगा दिए बस इसमें। तो चलिए यहाँ पे इसको करके ये देखिए, ये इस तरीके से करेंगे ना तो वी अपने आप ही यहाँ पे बन जाना है। ये देखिए अच्छे अपने आप ही ये वी बन जाना है। बस यहाँ पे मैं इस तरीके से सिलाई कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरा कंप्लीट है और यहाँ पे जो है हमारे बटन लग जाएंगे, ऊपर वाली पट्टी में जो है हमारे काज बन जाएंगे। वैसे इसी चैनल पे मैंने काज की वीडियो भी बनाई हुई है कि किस तरीके से आप काज बना सकते हैं। वैसे 10-20 रुपए में आप टेलर को भी देंगे तो वो भी आराम से बना देंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसके बाकी की स्टिचिंग की वीडियो होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।